हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी के एक अपडेट के बारे में। आप सभी को बता दूं, यूजीसी की वेबसाइट पे जो है एक अपडेट आया है, एक नोटिस आया है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एंड इंस्टीट्यूशन यानी कि यूनिवर्सिटीज के लिए, सबके लिए जो है नोटिस निकाला गया है। एंड ये नोटिस जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो है यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको जो है स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पे नोटिसेस लिखा होगा, आपको जो है रीड मोर पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है 10 तारीख को यानी कि कल ही जो है यहाँ पे एक नोटिस आया हुआ है, उसको जो है ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, आपको बता दो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट मिल जाएगा। सो आप जो है डायरेक्टली इसे जाके ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मई को जो है ये अपडेट आया। चलिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। पब्लिक नोटिस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रिट्रेसल ऑफ प्रिवरेंसेज रिलेटेड टू COVID-19 पेंडेमिक। इसका मतलब क्या है, आप सभी को पता होगा, आप सभी को काफी सारे डाउट हो रहे हैं COVID-19 के चलते कि आपके एग्जाम कब होंगे, या फिर कोई भी आपको अलग डाउट है जो कि आपको पूछना है, जो कि COVID-19 के चलते आपको परेशानी हो रही है यूनिवर्सिटी में, कोई सी भी एग्जाम से लेके, क्लास से लेके, कोई सा भी आपको अगर डाउट है, अगर आप उसे पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है यूजीसी ने एक नया अपडेट निकाला है, आप नीचे पढ़ सकते हैं। यूजीसी ने आपको पता होगा 29 अप्रैल को गाइडेंस अपने एग्जामिनेशन के लिए निकाली थी, उसके लिए एक अपडेट आया था जिसमें वो काफी सारी चीजें जो है उसमें लिखी गई थी कि फाइनल ईयर वालों के एग्जाम जुलाई में हो सकते हैं, या फिर और भी काफी सारी चीजें लिखी हुई थी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो भी मतलब लाइक जो भी बीच के सेमेस्टर वाले होंगे, फाइनल ईयर नहीं होंगे, उनके जो है उनको पास कर दिया जाएगा, उनके असाइनमेंट या फिर किसी और के मार्क्स लगा के, या फिर काफी सारी जो है ऐसे अपडेट्स की गई थी। सो उस चीज के बाद जो है यहाँ पे काफी सारे सुन के मन में काफी सारी जो है दिक्कतें आ गई थी, वो काफी सारे क्वेश्चंस आ गए थे। सो उसके लिए जो है अब आपके यूजीसी ने एक नया हेल्पलाइन नंबर वगैरह जो है निकाला है। सो देखिए इसमें सेकंड पैराग्राफ भी आप पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी हैव आल्सो बीन रिक्वेस्टेड टू एस्टैब्लिश अ सेल फॉर हैंडलिंग ग्रीवेंसेस ऑफ द स्टूडेंट रिलेटेड टू एग्जामिनेशन एंड अदर एकेडमिक एक्टिविटीज अराइजिंग ड्यू टू दिस पेंडेमिक एंड नोटिस नोटिफाई द सेम टू द स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे आपके यूजीसी ने आपकी यूनिवर्सिटीज को बोला है कि उनको जो है ग्रीवेंसेज हैंडल करने के लिए एक नया जो है सेल एस्टेब्लिश करना होगा, बिकॉज काफी सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी दिक्कत है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज जो भी आपके होते हैं, क्लासेज हो गए, असाइनमेंट्स वगैरह, किसी से भी रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है, तो उसके लिए जो है यूनिवर्सिटीज को एक सेल को जो है बनाना होगा, ताकि आपकी जो है रिक्वेस्ट जो भी आपकी ग्रीवेंस है उसको जो है सोल्व कर पाए। आप नीचे पढ़ सकते हैं, आपको जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फर्दर द यूजीसी हैज अंडरटेकन द फॉलोइंग स्टेप्स। सो यूजीसी ने कुछ स्टेप्स लिए, आप नीचे पढ़ सकते हैं, क्वेरीज ग्रीवेंसेस सॉल्व करने के लिए आपको ये जो है मैटर ऑफ स्टूडेंट टीचर एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए होने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर 0112323-6374, आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखिए आप जो है फर्स्ट पॉइंट पढ़ सकते हैं, डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर 0112323-6374 को जो है यहाँ पे सेटअप किया गया है आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वेरीज को सोल्व करने के लिए। नीचे देख सकते हैं आप, आपको एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, एंड ईमेल एड्रेस covid19help.ugc@gmail.com has been created। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप टीचर हो, आपके लिए जो ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है यूजीसी ने, अगर आप कोई भी यूजीसी से आपकी कोई क्वेरी है आप पूछना चाहते हैं, तो आप जो इस हेल्पलाइन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। एंड जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, वो जो है एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जहाँ पे जो है आप अपने कोई भी डाउट है यूजीसी से जो है पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको एक बार के लिए ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो है ओपन हो चुका, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिटिंग ग्रीवेंस। आप जो इसको भी फिल करके यहाँ पे भी अपने जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहला पॉइंट हेल्पलाइन नंबर है, सेकंड आपका ईमेल एड्रेस है, एंड थर्ड आपका ऑनलाइन पोर्टल आपको दिया हुआ है जहाँ पे आप जो अपने कोई भी आपको अगर कोई भी दिक्कत है, सो आप जो है उसको पूछ सकते हैं। नीचे देखिए आप जो है सबसे लास्ट लाइन देख सकते हैं, ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर रिक्वेस्ट टू अपलोड अ कॉपी ऑफ दिस पब्लिश नोटिस ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑल्सो शेयर इट विद टीचर स्टूडेंट्स कम्युनिटी बाय ईमेल एंड अदर डिजिटल मीडिया। सो ये जो है नोटिस आपको बता दो, सारी यूनिवर्सिटीज को जो है अपनी वेबसाइट पे जो है पब्लिश करने के लिए बोला गया है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के लिए। तो ये जो है आप सभी के लिए, अगर आपको कोई भी डाउट है आप जो यूजीसी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ऑनलाइन पोर्टल भी आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है, एंड जो है यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट भी की गई है कि वो जो है अपना कोई सा भी ग्रीवेंस सेल जो है बनाए, जिससे कि आपकी जो है जो भी आपके डाउट्स है उनको जो वो क्लियर कर सके। सो यही जो है नोटिस था, ये काफी ज्यादा जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है।
काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है जो उनके क्लियर नहीं हो पा रहे, सो आप जो है यहाँ पे जो है कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट्स को जो है क्लियर कर सकते हैं।